एक दुआ बताता हूँ पहले जो आज पढ़नी है हर ताकरात में, और वो हजरत सिहा की रिवायत है। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि जब हम ताकरातें पा जाएं, लैलतुल कद्र पाएं तो क्या पढ़ें? आपने इरशाद फरमाया, ऐ आयशा ये पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफून। ये तिर्मिजी शरीफ की रिवायत है मगर बुखारी शरीफ में एक लफ्ज इजाफा है, अफून करीमुन, अल्लाहुम्मा इन्नका अंता अफून करीमुन। आप अफून हैं करीमुन हैं, तो हिब्बुल अफवा, आप माफ करने के अमल को बहुत महबूब रखते हैं, फाफ अन्नी तो हमें माफ कर दीजिए। क्या मतलब कि जब माफ करना आपको महबूब है तो हम गुनाहों की गठरी लेकर आए हैं, तो उस महबूब अमल को हम पर जारी कर दीजिए, क्योंकि हर आदमी अपने महबूब मशगले को तलाश करता है। ऐ अल्लाह ताला आप माफ़ करने के महबूब मशगले को नहीं, तलाश करने की आपको जरूरत नहीं है, हम गुनहगार खुद हाजिर हो गए हैं आपके हुजूर में अपने गुनाहों की गठरी लेकर, आप हमें अपने माफ़ करने वाला अमल हमारे गुनाहों पर कर दीजिए ताकि हमारी माफ़ी हो जाए। अल्लाहुम्मा इन्नका अफून, ऐ अल्लाह आप क्या हैं, बहुत माफ़ करने वाले हैं, वो करीमुन, और नालायकों पर भी मेहरबानी करने वाले हैं। सुभान अल्लाह, करीम के माने याद रख लेना, जो मुहद्दिसीन ने लिखा है करीम के माने वो ज़ात, वो पाक ज़ात जो नालायकों पर भी मेहरबानी कर दे और जो हमारी उम्मीदों से हमको ज्यादा दे दे और जो हमको बिला वसीला और सवाल दे दे और जो इतना दे दे कि अपने खजाने के खत्म होने का खौफ न हो। अल्लज़ी यतफज़्ज़लु अलैना बेदून इस्तिहक़ाक वल मिन्ना, अल्लज़ी यतफज़्ज़लु अलैना फ़ौक़ मा नतमन्ना बिही, अल्लज़ी यतफज़्ज़लु अलैना बेदून मसलतिन वला वसीलतिन, अल्लज़ी यतफज़्ज़लु अलैना वला यख़ाफ़ु नफ़ाज़ा मा इन्दहु। चार बातें जो मैंने उर्दू में सुनाई उसकी मैंने अरबी पेश कर दी, जो मुहद्दिसीन ने लिखा है और मुफस्सिरीन ने लिखा है।